मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड हैप्पी थर्सडे। तो यार आज है थर्सडे, तो मैं सोचा मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। एंड यार टाइम आपने देख लिया है, 8 बज चुका है। एक्चुअली 10 मिनट घड़ी आगे है, तो एग्जैक्ट 8 बजा होगा। तो बस यार अब कृषि स्कूल जा चुकी है एंड मैंने सोचा मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए। एंड आज ना यार क्या, हमने ना 10 बजे की अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है अर्बन क्लैब की एसी की सर्विस के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने सोचा एक बार अच्छे से सर्विस करा ले तभी हम एसी को यू नो यूज़ करें तो थोड़ा बेटर चलता है। एंड यार मैं नाश्ते में आज जवे बनाया है ना, इतनी हेक्टिक शेड्यूल थी ना सुबह सुबह मुझे, मैं चाहकर भी मैं कुछ रात को प्रिपरेशन नहीं कर पाई, मतलब आज सुबह लंच के लिए, तो फिर मेरे को बहुत टाइम लगा। बट एनीवेज इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं सोचा था मैं सुबह से भी वीडियो स्टार्ट करूँगी। बट एनीवेज तो मैंने बनाए हैं जवे, अब मैं बस वही जवे लेने वाली हूँ चाय के साथ। एंड मैंने सोचा मैं आज कस्टर्ड वगैरह भी बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है अगर यू नो कुछ रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँ। तो चलो यार इस दिन की स्टार्ट करते हैं। एंड यस पहले चाय पी लेते हैं, गर्मी हो बेशक पर चाय का मज़ा अलग ही होता है। तो यार ये ना बालकनी वाले बेडरूम में हमारे लगा हुआ एसी, तो बस ये अर्बन क्लैब वाले आ गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग की हुई, मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम देखी ऐसे से अच्छे से क्लीनिंग होते हुए। यार देखो यार कैसे ऊपर से हमारा नीचे का घर भी दिखने लग गए हैं। एनीवेज इस बालकनी का ना व्यू बहुत अच्छा था, बट यहाँ एसी लगना था, नहीं तो ना जब सुबह सुबह मैं जब नए नए इस घर में आई थी, जब एसी भी नहीं लगा था लास्ट ईयर, तो जब मैं खिड़की खोलती ना बहुत सुंदर व्यू आता था, जो कि अब एसी ने ढक लिया है। क्या ठंडी हमारी एसी से, हमारा एसी क्लीन हो गया ना हमारा। हम सर्विस कराने थी, उतार लेने थे, सब प्रॉपर दिया, अब हम एसी चला सकते हैं। अब गंदगी सारी दूर हो गई। तो यार अब ना मैं आपको शाम के वक्त मिल रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्याज की भजिया बनानी चाहिए, मतलब पकोड़े वगैरह बनाना चाहिए। तो बस मैंने फटाफट से प्याज में बेसन एंड मिर्ची ऐड अप करके भजिया बना ली। मिर्ची मैंने ऐड की थी क्योंकि बच्चे नहीं खाने वाले थे इस वजह से, तो बस मैंने ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है यार, बस आपको सिंपली बेसन नमक वगैरह सब ऐड अप करके सिंपल सी भजिया बनाने दी है प्याज की। साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा ली थी, क्योंकि पता नहीं यार जयपुर में कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। हमारा शाम का नाश्ता स्नैक तैयार। तो मैंने ना आलू के पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि गोभी एंड प्याज ही बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर 3 मिर्चियाँ भी थी, बस चाय वगैरह। एंड बस अब हम ये नाश्ता करते हैं। तो बस यार चाय पी के मैं सोचा फटाफट से कस्टर्ड की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कस्टर्ड पाउडर लेना है एंड उसमें जो है आपको मिल्क ऐडअप कर लेना है 2-3 चम्मच, एंड इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। एंड उसके बाद आपको बॉईल करना है मिल्क को, मिल्क हल्का सा वार्म हो जाए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालो, ज़्यादा चीनी ऐडअप मत करिएगा। एंड बस उसमें ये जो आपने सोल्यूशन बनाया है ना मिल्क एंड उसका पाउडर का, बस उसको मिक्स कर दो, उसको हल्का सा ही आप करोगे तो गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत रखना, क्योंकि जब आप उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखोगे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस उसको मैंने ढक के रख दिया था, ठंडा होने के बाद मैंने उसको फ्रिज में जमा दिया था 3-4 घंटे के लिए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कस्टर्ड को निकाल लिया है एक बाउल में एंड कुछ इस तरह का हो गया है ये 2-3 घंटे बाद, अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। बस मैंने थोड़ा फेट भी लिया है, साथ में थोड़े नट्स लिए हैं, थोड़ी बेरीज ली हैं, ये थोड़ा ऊपर डेकोरेशन के लिए लिया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर से ना गार्निश करने के लिए, थोड़ा मैंगो एंड फ्रूट्स लिए, ग्रेप्स लिए हैं। तो बस अब मैं इसको इसमें सब डालने वाली हूँ एंड सीजन का फर्स्ट कस्टर्ड हम लोग खाने वाली हैं, लेट्स डू इट। कृष्ण कह रही उसे करना है, करो कम ये नहीं बाकी डालो, बेरीज डालो, यस नट्स डालो, नट्स ये लास्ट में डालेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए, नहीं वो बाद में डालेंगे बेबी, मिक्स इट, मिक्स करो। तुमने क्या खाया? Mix it well. Yes. अच्छे से मिक्स करो। Wow, it's so yum. चलो अभी से लाओ मैं करूँ। चलो अभी से एक फटाफट से बाउल में निकालते हैं, ओके? मैं निकाल बाउल में आराम से। ले आओ दो बाउल ले आओ। यहाँ से यार यहाँ पे ना कृषि मेरी हेल्प करने लगी थी, तो यार मैं यही सोचती हूँ अभी वो 6-6.5 साल के हैं, इतनी जल्दी उसमें लाइक आ रहा कि मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं समय से, लाइक पता नहीं चलता, सिया भी बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे कृषि मेरी हेल्प कर रही थी ना, तो सिया भी लड़ने लगी, मतलब जो राधे को करना है ना सिया को भी भाई करना है, लड़ झगड़ के राधे का काम खराब करना है सिया को। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फटाक से गार्निश वगैरह किया एंड हम लोगों ने मिलकर इन्जॉय किया चारों जनों ने,
बहुत ज़्यादा यमी कस्टर्ड बना था, आपको भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड यमी तो ऑफ कोर्स होता ही है। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो यम गाइस, लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू कि कैसा बना है। तो यार अब ना ये हो गया, नेक्स्ट डे मैं आपसे सुबह सुबह मिल रही हूँ। तो मैंने सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था, मतलब उनको 2 दिन के लिए जाना था बाहर वीकेंड के लिए, तो बस मैंने फटाफट से छोले एंड रोटी के लिए, पराठा बनाने के लिए आटा गूंद दिया था। पापा को बाय बाय करो, पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय बेटा, आ जाओ। हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? अब बस यही देखती रहूंगी। बाय बाय। तो यार यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैं विदा तो हमेशा हंसते हंसते उन्हें कर देती हूँ, पर ना मैं को बहुत बुरा लगता है जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, क्योंकि उनका ना बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, लाइक बच्चों को संभालने से लेके बच्चों को खाना खिलाना रहना सब कुछ करने में, अगर वो घर पे होते तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। एंड फिर वैसे भी अकेलापन लगता है बीइंग अ सिंगल पेरेंट लगता है, बट ठीक है, 2 दिन की बात है, मैं काम चला लेती हूँ किसी तरह। सिया कितनी प्यारी लग रही है। तो बस यार ये कृषि को लाने का टाइम हो गया है, हम लोग नीचे जा रहे थे लाने के लिए, एंड बस इसके बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज कृषि की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लाइक लिटरली वो 2 दिन जब उसके पापा भरे थे वो बीमारी रही थी, बट ये अच्छा रहा कि जब वो वापस आया तो बच्चों को चेयरअप करने के लिए वो रैंडम केक ले आए थे, एंड बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए थे। हालांकि कृषि की तबीयत फिर भी खराब थी, बट फिर भी वो बेटर फील कर रही थी, तो ये अच्छा रहा कि वो एक अच्छा सा सरप्राइज लाए थे। जल्दी 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 जल्दी, तो आज हमें मिला है सरप्राइज केक विदाउट एनी ओकेजन एंड सम पैटीज जो कि हम लोगों की फेवरेट हैं। महाराज ओकेजन तो बताओ एंड सम फ्रूट्स। महाराज क्यों लाए केक? Why केक? खा सकते हैं। टाइम बज रहा है 10। महाराज ओकेजन तो बताओ, केक क्यों लाए हो? केक खाने का मन था, लिया है। वाओ, और हम सबके चेहरों पे स्माइल आ गई है केक देख के, है ना सिया? पार्टी टाइम, पार्टी के जाने लग रहा है इसको। तो ये लो दोनों जने पकड़ो, तो बस यार यहाँ पे ना बच्चे केक खा के खुश हो रहे हैं, सिया तो नाचने लग गई थी, राधे भी बहुत खुश हो जाती है, बट अभी वो थोड़ा सा परेशान थी ना, इसलिए थोड़ा सा वो अपसेट थी। बट एनीवेज बच्चों के लिए ना ऐसे मेरे हस्बैंड लेकर आते रहते हैं रैंडम, कभी केक्स कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चे खुश रहते हैं, खुशी का माहौल भी रहता है। तो बस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो यार यहाँ पे संडे को जयपुर में अच्छी खासी बारिश हो रही थी, आई होप आपके यहाँ भी ऐसी वीकेंड्स आए बारिश वाले एंड मीठे मीठे केक्स जैसे। सो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय।